नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुजी में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो जो है वो किस बात को लेकर विशेष बताई जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कछुआ छाप अंगूठी होती है, कछुए वाली अंगूठी होती है, वो पहनने से आपको क्या लाभ मिलता है और इसको किस समय किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ अपने हाथ का परिचय देते हुए कि हाथ के अंदर जो उंगली, कौन सी उंगली के अंदर इसको पहनना चाहिए। हमारे हाथ में चार उंगलियाँ होती है और एक अंगूठा होता है। इस उंगली को नाम दिया गया है कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और शेष रह गया हमारा अंगूठा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो अंगूठियाँ पहनी जाती है वो पहनी जाती है अनामिका में। जी हाँ, यह रिंग भी जो है अनामिका के अंदर ही पहनी जाती है। इसको पहनने का जो तरीका है वो इस तरह होता है, यानी इस अंगूठी को इस तरह कभी नहीं पहनना चाहिए। जो कछुए का मुंह है वो अपनी तरफ होना चाहिए। जी हाँ, कछुए का मुंह है अपनी तरफ होना चाहिए और कछुआ जो है लक्ष्मी को चित्रांक करने के लिए पहनी जाती है, यानी जिसके घर में लक्ष्मी का जो प्रवेश है हो रहा है लेकिन रुक नहीं रही है, या फिर किसी तरह से लक्ष्मी का जो प्रवेश नहीं हो रहा है, तो इस अंगूठी को जो पहने जाता है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं इस अंगूठी को पहनने से क्या लाभ आपको होने वाले हैं। जी हाँ, इस अंगूठी को पहनने से आपके जो लाभ होने वाले हैं वो है आपके घर में जो धन का प्रवेश होगा और आपका जो धन है, कमाई हुई जो लक्ष्मी आपको स्थिर होने लग जाएगी, यानी रुकने लग जाएगी। इसकी यही प्रक्रिया होती है। और इस अंगूठी को पहनने का जो समय है वो होता है सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में। जी हाँ, इसको दूध, कच्चे दूध से स्नान करवा कर, यानी इसको धो लें और उसके बाद जो इस उंगली के अंदर इसको धारण कर लें। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर किसी पंडित द्वारा भी इस उंगली को शुद्ध करवा सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।